स्क्विड गेम्स कितना पॉपुलर है ये तो सभी जानते हैं, और अब इसी तरह स्क्विड गेम्स के नाम से क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है। और ये स्क्विड गेम्स जितनी ही पॉपुलर हो रही है, ये क्रिप्टो करेंसी केवल 6 दिन में $0.12 से $12 पर पहुंच गई, यानी कि इसने करीब 1,00,000% का रिटर्न केवल 6 दिनों में दिया है। मतलब अगर आपने इसमें ₹10,000 पहले दिन लगाए होते तो आप केवल 6 दिनों में 1 करोड़ के मालिक बन जाते। और हैरानी की बात यह है कि इसकी प्राइस लगातार बढ़ती ही जा रही है। 7वें दिन ये रिटर्न अचानक से बढ़कर 3,00,000% हो गया, यानी कि एक ही दिन में 1 करोड़ से सीधे 3 करोड़। लेकिन अगले ही दिन अचानक से इसकी वैल्यू 99.99% तक गिर गई, और इसी वजह से लोग इसे स्कैम तक बोल रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। आतंकवाद यानी कि टेररिज्म, ये आज के समय एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसका किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ता है इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका को चांद पर पहुंचने में और ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में बराबर का धन और बराबर का समय खर्च हुआ, $25 बिलियन और 10 साल। अब आप ये सोचिए कि जो $25 बिलियन अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में खर्च किए, उससे वो अपने नागरिकों का कितना भला कर सकता था। गाइस, अब आप समझ ही गए होंगे कि आतंकवाद किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर डालता है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि आतंकवाद खतरनाक है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, कई बार जब लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या वो वेजिटेरियन है, तो उनमें से कुछ लोगों का जवाब होता है कि हाँ, हम तो वेजिटेरियन है, बस सिर्फ अंडा खाते हैं। लेकिन फिर कई लोग सोचने लगते हैं कि अंडा खाने वाला वेजिटेरियन कैसे हो सकता है। लेकिन अब अगर कोई ऐसा बोलता है तो उस पर विश्वास कर लीजिएगा जनाब, क्योंकि अब ऐसा अंडा भी तैयार हो गया है जो कि पौधे से बना है। पौधे से बना ये उबला अंडा दिखने में बिल्कुल मुर्गी के अंडे के जैसा ही है, और इसे बनाने में वनस्पति तेल और जल जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसे वेजिटेरियन अंडा कहा जाता है। गाइस, क्या आपने भी ये अंडा देखा या खाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि वेरोनिका मूवी दुनिया की सबसे डरावनी मूवी है? इसे नेटफ्लिक्स द्वारा 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की खास बात यह है कि यह एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, और यह मूवी इतनी डरावनी थी कि नेटफ्लिक्स के अनुसार इस मूवी को 100 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरा देख पाया था। साथ ही एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर कोई कमजोर हार्ट वाला पर्सन इस मूवी को देख ले तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। गाइस, क्या आप इस मूवी को देखने की कोशिश करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।